भगवान पे भावना हो, अपना विश्वास हो, तो विश्वास और भावना के साथ साथ ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे हम पा नहीं सकते? यहाँ डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए, वो मतलब इस कुंड में नहाने से इलाज निवारण हुआ है, हो जाता है, हो जाता है। ये आपका विश्वास है? विश्वास नहीं, अटूट विश्वास है। आपके परखी हुई चीज है, आप परखी हुई है। तो यहाँ बताया था यहाँ पे कुंड में आने से नहाने से सब ठीक हो जाता है। तो आपको किसने बताया था? ये मेरे भाई है। राधे राधे दोस्तों, मैं कृष्ण गोपाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। जैसा कि दोस्तों आप हमारे चैनल में देखते हैं, हम आपको ब्रज की जगह जगह के जो दर्शन कराते हैं, कभी हम ब्रज के पहाड़ों के आपको दर्शन कराते हैं, तो कभी ब्रज के वनों के दर्शन कराते हैं। और आपने देखा होगा हमारे चैनल के माध्यम से आप ब्रज के बहुत से कुंडों के दर्शन भी करते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे कुंड के दर्शन कराएंगे, बहुत ही प्राचीन कुंड के दर्शन कराएंगे, जो बहुत ही चमत्कारी है। उसका क्या चमत्कार है और उस स्थान की क्या महिमा है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस स्थान के बारे में आपको बता देते हैं। बरसाना से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है और छाता तहसील से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है। तो आइए आपको उस स्थान पर लेके चलते हैं। और स्थान की महत्वता बहुत ज़्यादा है पूरे ब्रजमंडल में, ब्रज के नहीं पूरे देश से भी लोग यहाँ पर आते हैं। और इस कुंड जो चमत्कारी कुंड है उसके बारे में क्या कथा है वो आज हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको लेके चलते हैं और उस कथा को जानेंगे वो क्या है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए। तो आइए चलते हैं। आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे कुंड पे आ रहे हैं। वो क्यों आते हैं यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा जो महत्व है इस स्थान का वो प्रत्येक सोमवार को है। सोमवार को यहाँ पे आप देख रहे होंगे लोग बाहर बाहर से, देश से नहीं, लोग तो विदेशों से भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये जो कुंड है बहुत ही चमत्कारी कुंड है। आइए उस स्थान पर आपको लेके चलते हैं, दर्शन कराएंगे और लोगों से भी हम जानेंगे कि इस स्थान की महत्वता क्या है, वो यहाँ क्यों आते हैं, ऐसा उनको यहाँ पे क्या लगता है कि वो यहाँ पे आएँ। प्रत्येक सोमवार को यहाँ पे हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी करके जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं उस स्थान की ओर। तो दोस्तों हम उसी स्थान पे आ गए हैं। सबसे पहले हम उस चमत्कारी कुंड की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ब्रज में एकमात्र ऐसा चमत्कारी कुंड है जिसकी जो विशेषता है, आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह से हर प्रत्येक सोमवार को एक तरह से मेला लगता है, लोगों का हुजूम उमड़ता है। आइए उस कुंड के दर्शन आपको कराते हैं। बहुत ही प्राचीन कुंड है ये देखिए। और यहाँ पे हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे कि वो यहाँ क्यों आए हैं, उनकी क्या मनोकामना है और उनको किसने इस स्थान के बारे में बताया। आप देख रहे होंगे इसके जो घाट बने हैं बहुत ही पुराने हैं। उस स्थान पे हम आपको लेके चलते हैं जहाँ पे कुछ लोग श्रद्धालु हैं जो इस कुंड में नहा रहे हैं और कुछ लोगों ने इसकी जो मिट्टी है अपने मुँह पर लगा रखी है। उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कर रखा है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो सामग्री है, प्रसाद जो चढ़ाया जाता है वो भी यहाँ पे उपलब्ध है, उसके साथ बच्चों के खिलौने और भी सामान यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप देखिए यहाँ पे लोग नहा रहे हैं और साथ में साथ जो इसकी जो कुंड की मिट्टी है वो अपने शरीर पे लगा रहे हैं। तो आइए कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उसके पीछे क्या कारण है। तो आप देखिए यहाँ पे किस तरह से इस कुंड का जो मिट्टी है उसको अपने शरीर पे लगा रहे हैं। ये देखिए बच्चा अपने शरीर पे लगा रहा है और भी कुछ लोगों ने लगा रखे, उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने यहाँ पे इस मिट्टी को क्यों लगाया है। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे भाई साहब। क्या नाम है भाई साहब आपको? कृष्णा। कहाँ पे आए हैं? सोमुआ से आए सर हम। मैं ये देख रहा हूँ जो ये मिट्टी है कुंड की आपने अपने पूरे शरीर पे लगा रखी है जी सर, या के पीछे क्या कारण है? सर इससे यहाँ पे ऐसी मान्यता है, यहाँ पे स्वामी जी की ये रज है। अच्छा। इस रज से जो जितने भी कुष्ठ रोग होते हैं उन सबका निराकरण होता है। अच्छा। और जो लोग इसको लगाते हैं यहाँ से देखने के लिए, यहाँ के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर आके इस रज को बड़े उत्साह के साथ लगाते हैं। और उनके जितने भी कुष्ठ रोग होते हैं, दाग धब्बे जितने भी शरीर पे हैं, उनकी मानता है कि इसे लगाने से उनका निवारण करते हैं स्वामी जी महाराज। अच्छा। अब पहली बार आए हैं कि आते ही रहते हैं? जी हम तो आते रहते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार आते हैं। अच्छा। तो आप
और भी बार आ चुके हैं, तो आपको कुछ लगता है इससे कि हाँ ये सही चीज़ है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अनेक जो व्यक्ति हैं जिनने आके कुष्ठ रोग थे उनके ठीक हुए हैं, निवारण हुए हैं, उसके बाद भी हमारे दाग धब्बे हो जाते हैं चेहरे पे इसे लगाने से, वो भी ठीक हुए। आपको इस स्थान के बारे में कैसे पता चला? ये हमारे गांव के पास में ही है, इसकी वजह से इसकी मान्यता है। यहाँ पे मेला भी लगता है एक एक महीने का। अच्छा। हाँ, और 7 दिन का भी लगता है। यहाँ पे प्रत्येक सोमवार को ही करते हैं? हाँ बिल्कुल, हर सोमवार को यहाँ पे आके सभी आते हैं, सोमवार की मानता है यहाँ पर। अच्छा, तो इससे आपको लगता है कि आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी? हाँ, संपूर्ण तरीके से ठीक हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ, ईर्ष्या और भगवान पर भावना हो, अपना विश्वास हो, तो विश्वास और भावना के साथ साथ ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम पा नहीं सकते। तो ये मैं तो देख रहा हूँ कि एक तरह से अगर आप जिस तरह करते हो, ये तो चमत्कार है हमारा एक तरह से इस कुंड का। हाँ, चमत्कार से कम थोड़ी ना है, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है, उन्हीं का ये चमत्कार है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर इस चीज़ का विश्वास है कि जो उनकी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। तो और भी हम लोगों से बात करेंगे। लोगों की बीमारियां ठीक हो चुकी हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए भैया जी? हम जी कोसी कला से आए। अच्छा, तो आप आते ही रहते हैं यहाँ पे? नहीं, हम तो जब बीमारी थी जब ही आते हैं। अच्छा, वैसे तो कोई आने का कोई औचित्य नहीं है। हमारी मैडम के भी मतलब ये कि बहुत बड़ी बीमारी थी, दाग धब्बे, मतलब ये वो आई थी नहाई थी और मतलब ये एकदम साफ ठीक हो गई, क्योंकि मतलब ये डॉक्टरों की दवाइयों से सही नहीं होती, दाग धब्बे वो सही हो गए। आज मैं मतलब अपने भाई को लेके आया हूँ। कहाँ पर है ये देखो, इधर आ गया येरा, इसके भी यही बीमारी है, लेकर के आया हूँ। दवाइयाँ खा रहा, कोई आराम नहीं हुआ, लेकिन 100% विश्वास है और सही होगा। और यहाँ तो योगी जी आए थे, उन्होंने भी मतलब ये नाम सुना होगा, बताओ इतने बड़े मुख्यमंत्री होकर उनको क्या मालूम। उन्होंने भी ये कहा था कि यहाँ से मतलब जो भी आता कुष्ठ रोगी वगैरह स्नान करने से वो सब साफ हो जाते हैं। तो ये है इसका मतलब, स्वामी जी बाबा का मंदिर है ये, बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत से लोग इस बीमारी से छुटकारा पाए हैं। यहाँ डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए, वो मतलब इस कुंड में नहाने से इलाज निवारण हुआ है, हो जाता है, हो जाता है। ये आपका विश्वास है? विश्वास नहीं, अटूट विश्वास है। आपके परखी हुई चीज़ है? परखी हुई है, अब देखो परखी हुई चीज़ है, नहीं तो हम भी विश्वास नहीं करते। हाँ। नाम सुना था आपसे बहुत साल पहले से। हाँ। ये कहूँ तो हमारे बुजुर्ग भी ये बताते थे कि हाँ कि कोई परेशानी है तो साईं बाबा के उसमें जाकर के स्नान करो और बीमारी दूर हो जाती है। अब इतनी पब्लिक आती है, ये विश्वास के ऊपर तो आती है। यहीं से नहीं, कलकत्ता बॉम्बे वॉम्बे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं नाने के, जिनको भी मतलब पता लगा है वो सब मतलब ये आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। राधे राधे। राधे राधे। तो कुछ भक्त हैं जो इसमें नहा रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे। आए हैं आप? मथुरा से भाई साहब। मथुरा से। हाँ जी। तो इस कुंड में नहाने की महत्वता क्या है, क्यों आए आप यहाँ पे? भाई इसमें शरीर में जैसे वैसे कोई रोग, छोटे मोटे रोग, चर्म रोग होते हैं, डॉक्टरों को दिखाने से नहीं होते हैं, मगर यहाँ नहाने से सब खत्म हो जाते हैं। विश्वास है आपका? पक्का विश्वास है भाई। अच्छा। साईं बाबा की माया हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी लाली को हो गया था, उसके सर में बहुत सारे फुंसी होते थे तो ठीक नहीं होता था, बहुत दवा की, सही हो गया। यहाँ पे आई, नहाई, दो बार नहा के ठीक हो गया। यहाँ की महत्ता बहुत है, चर्म रोग दूर हो जाते हैं। तो ये देखिए, विश्वास और आस्था का प्रतीक ये कुंड है। और बेटा तुम कहाँ से आए हो? जयपुर से। जयपुर से आए आप? क्या क्या दिक्कत हो रही है बच्चे को? इनके सफेद सफेद दाग हो गए हैं। अच्छा, तो यहाँ बताया था यहाँ पे कुंड में आने से नहाने से सब ठीक हो जाता है। आपको किसने बताया था? ये मेरे भाई है। अच्छा, मौसी मेरी मथुरा में भाई ने बताया, मैं यहाँ पे नहाने लाई हूँ। हाँ, तो मैं ठीक हो जाएगा तो मैं फिर आऊँगी। अच्छा, पहली बार आई है? पहली बार आई हूँ मैं। तो हम उम्मीद करते हैं और ईश्वर पर भरोसा करते हैं कि जल्दी से ये ठीक हो जाएगा। जल्दी ठीक हो जाएगा, मैं तो यही विश्वास करके आई हूँ कि ठीक हो जाए मेरे बच्चा बूढ़े बाबा का। चलो ठीक। ये देख रहे हैं दोस्तों आप किस तरह से यहाँ पे लोग आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पे आते हैं कि उनकी जो बीमारी है कुछ लोग जो हैं वो ठीक हो जाएं। ये देखिए आप, बहुत सारे लोग यहाँ पे इस कुंड में नहा रहे हैं और इस रज का आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये वो रज है, ये अंदर से लेके आए तुम? अच्छा, यही है। इसको सर पे लगाने से, मुंह पे लगाने से ठीक हो जाएगी? हाँ, दाग दाग खुजली होगी, सब आपका ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
हर हफ्ते में आने का लगा। ये है रज, जिसको अपने मुंह पे लगाते हैं तो इससे सारी जो बीमारियां स्किन की वो पूरी ठीक हो जाती है, ये लोगों का विश्वास है और मानना है। जहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं वो इस चीज़ को मान रहे हैं। यहाँ पे रज को लगाने लगाने के अलावा लोग यहाँ से रज को ले भी जाते हैं। ये देखिए भैया, भैया कहाँ से आए आप? छाता से आए। इस रज को ले जाके क्या करेंगे इसका? इसको मतलब जो प्रॉब्लम होती है ना, दाग धब्बे होते हैं, तो वो मान्यता है कि इसको लगाने से इससे वो ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं, घर जाके भी इसको लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, नहाते टाइम भी लगा सकते हैं। उसमें डाल करके पानी में डाल करके और उसमें थोड़ा सा लगा करके घी में लगाना, घी में लगाना पड़ता है, घी में लगाना तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है भैया, राधे राधे। तो दोस्तों, ये जो प्राचीन मंदिर है ये वही मंदिर है उन बाबा का, उनके बारे में हम जानेंगे कि वो कौन थे और उनकी कथा क्या थी। आइए अब पहले आपको उनके दर्शन कराते हैं। तो पहले दर्शन कीजिए आप इस मंदिर के, इनके बारे में जो कथा है वो हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। तो दोस्तों, मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। राधे राधे पुजारी। राधे राधे भैया जी। आपको नाम क्या है पुजारी? मेरा नाम रामवीर पुजारी है। अच्छा, तो हाँ जी। सबसे पहले तो मेरे मन में ये विचार है कि ये जो स्वामी बाबा हैं जी, इनको रूप का है? इनका रूप स्वामी बाबा बूढ़े बाबू है ये। अच्छा। हाँ, जो शादी होती है उसमें पूछते हैं बूढ़े बाबू। हाँ। कोई भी शरीर में कुष्ठ रोग है उसको सही करते हैं, तालाब में नहाने से और बाबा की सेवा करने से सब सही हो जाता है यहाँ। अच्छा, तो यहाँ के पीछे पुरानी कथा का है या कुंड की? पुरानी कथा ये है कि यहाँ ये तरल वन था। अच्छा। यहाँ तारकासुर को मारा था शंकर भगवान का लड़का कार्तिकेय स्वामी है, उन्होंने तारकासुर को मारा था, जब से तरौली नाम पड़ गया इस गांव का। अच्छा। हाँ जी, तारानवन से। हाँ। और ये स्वामी बाबा कौन है? ये बूढ़े बाबू है, स्वामी बाबा। ये स्वयं भोलेनाथ छठमो रूप शंकर भगवान का है ये। शंकर भगवान के रूप है। हाँ। अच्छा, इनकी काय प्रकार से सेवा करनी चाहिए? कौन कौन सी सामग्री इनके काज लानी चाहिए और कौन सा भोग लगाना चाहिए? इनके लिए कुछ भी भोग लगा ला सकते हैं, ये तो सबको स्वीकार करते हैं, सबको स्वीकार। हाँ, बर्फी लाओ, चिरवा लाओ, चनोरी लाओ, बतासे लाओ, खीर लाओ, दूध ले आओ, दूध ले आओ, दही ले आओ, घी की जो जलती है यहाँ, जो की जो यहाँ की भावना हो वो। हाँ, अपना अपना भाव है ये। अच्छा। और यह कुंड, ये कुंड लगभग कितना पुराना होगा? लगभग कुंड ये है 550 साल पुराना। अच्छा। हाँ जी, देखते हैं इसकी लिखित है। हाँ, सब कुछ है। और इस कुंड की और क्या विशेषता है? इसमें ये मूर्ति निकली थी छोटी वाली, जो छोटी वाली मूर्ति है। हाँ। अच्छा, तो जब से यहाँ पूजा होने लगी है, सपना दिया बाबा ने किसको? हमारे बुजुर्गों को। अच्छा। हाँ, पुजारी को। तो जब से ही पूजा होने लगी है यहाँ, जब से तालाब हो गया, जब से सेवा हो रही है। अच्छा। हाँ जी, इसकी बहुत मानता है। तो जो हम देख रहे हैं कि जो यहाँ की मिट्टी है, रज लगा लगा के अपने चेहरा पे लगा रहे, सर पे लगा रहे, यहाँ सब ठीक है? यहाँ से सब सही हो जाते हैं, कुछ सेवा करनी पड़ती है बाबा की। अच्छा। और कुछ रज तालाब में नहाने से ही सही हो जाते हैं। हो जाते हैं। हाँ जी, ये विश्वास है, हम विश्वास है, विश्वास पे आते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ठीक है पुजारी जी, राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। तो दोस्तों, आपने देखा ब्रज का एक चमत्कारिक कुंड जो कि तरौली में स्थित है, जहाँ पे नहाने से ऐसा मान्यता है कि सभी कुष्ठ रोग और जो दाग धब्बे ठीक हो जाते। और आप लोग भी इस विश्वास को देखना चाहते हो, इस चमत्कार को पहचानना चाहते हो, आप यहाँ ज़रूर आएँ और इस अलौकिक तीर्थ का दर्शन करें और इस विश्वास के साथ आएँ कि आप भी यहाँ ठीक हो सकते हैं। तो आज का जो वीडियो था, हम लेके आए आपसे तरौली गांव से बाबा स्वामी जी के दर्शन के साथ साथ इस चमत्कारी कुंड के, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार, राधे राधे।